हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आल्स पनू। तो आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 न्यू क्यू कार्ड्स जो लेटेस्ट पीडीएफ में से ले गए हैं। और यही क्यू कार्ड्स रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिन्हें बच्चों का एग्जाम कल और परसों था स्पीकिंग का, तो उनसे ये भी क्यू कार्ड्स पूछे गए थे, तो आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ लॉन्गेस्ट जर्नी दैट यू एंजॉयड। तो आप इसे कोई भी ट्रिप बता सकते हैं, कोई भी रिलेटिव के पास आप गए हों, जहाँ भी आप गए हों लॉन्ग ट्रिप में, कुछ भी आप इसमें बता सकते हैं। थोड़ा सा मसाला डाल के अपनी स्टोरी में थोड़ी अपनी स्टोरी लॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी ट्रिप पे गए हों और रास्ते में आपने क्या क्या देखा वह बता सकते हैं, वहाँ जाकर आपने क्या क्या किया वो बता सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेक करेगा, वो नहीं चेक करेगा कि आप सच में गए थे या क्या किया या कुछ भी। तो सिर्फ आप अपनी स्टोरी एक क्रिएट कर सकते हैं इस वे में। अगर हम सेकंड क्यू कार्ड की बात करें तो उसमें है डिस्क्राइब एन आइटम दैट यू ब्रोकन इन योर हाउस। तो कोई भी आइटम आप बता सकते हैं, कि आप अपना फ़ोन भी बता सकते हैं कि आप अपने घर में अपने घर की स्टेयर से स्लिप्ड हो गए थे और फ़ोन ब्रोक हो गया था। चाहे आप घर का ओवन बता सकते हैं किचन में कि क्या ओवन था आपसे ब्रोकन हो गया, जहाँ टीवी का रिमोट बता सकते हैं। टीवी का रिमोट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप घर में रहते हो तो आपके बहन के साथ भाई के साथ जब भी झगड़ा होता है तो ज़्यादातर टीवी से ही होता है। तो इसके लिए आप टीवी का रिमोट भी चुन सकते हैं, जहाँ पूरा टीवी ही चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप बता सकते हैं कि टीवी का रिमोट के साथ लड़ाई हुई थी आपकी और आपने टीवी ही तोड़ दिया था, थोड़ा लॉन्ग मिर्च मसाला डाल के आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं अपनी लॉन्ग स्टोरी। और हम थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड है डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक दैट यू एंजॉयड। ये तो सबको पता होगा कि हाँ, कि जैसे कि ट्रिप के साथ आपने जैसे जोड़ लेना है, जैसा कि पहला क्यू कार्ड है आपका डिस्क्राइब अ लॉन्ग जर्नी, उसके साथ आपने इसे जोड़ लेना कि आप किसी ट्रिप पे गए हो, ट्रिप पे जाने के बाद आपने वहाँ पे लॉन्ग वॉक की, कि आपने सहारा जो भी शहर था या जो भी विलेज जहाँ भी आप गए थे उसे आपने लॉन्ग वॉक करके एक्सप्लोर किया था। तो आप इसे क्यू कार्ड को पहले वाले क्यू कार्ड्स के साथ जोड़ के एक लंबा क्यू कार्ड बना सकते हैं और आधा आधा क्यू कार्ड फर्स्ट और थर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा टिप एंड ट्रिक जो कि आपके स्पीकिंग एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्यू कार्ड के बारे में, तो हमारा फोर्थ क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ सेल्फी दैट यू क्लिक्ड ऑन योर मोबाइल फोन ऑन अ स्पेशल ओकेजन। तो इस क्यू कार्ड में हम बात कर सकते हैं कि जैसे कोई स्पेशल डे, यानी कि कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है आपकी, बर्थडे पार्टी या आपके फ्रेंड्स की या आपके से ब्रदर सिस्टर की हो सकती है, और जहाँ किसी की मैरिज हो सकती है, वहाँ आपने कोई अपनी सेल्फी क्लिक की हो और उस सेल्फी से रिलेटेड सम टॉक्स बता सकते हैं आप, थोड़ा मिर्च मसाला, जैसे कि पार्टी कैसे शुरू हुई, आपने वहाँ क्या क्या किया, कैसे आपने पिक्चर क्लिक्स की, पिक्चर क्लिक करने के बाद आपने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की और आपको कैसा रिएक्शन मिला, ऐसे कुछ समथिंग आप बता सकते हैं। और अगर हम फिफ्थ क्यू कार्ड के बारे में बात करें तो उसमें है डिस्क्राइब अ रूल दैट यू डिसलाइक एंड वांट टू चेंज। कोई भी रूल आप बता सकते हैं, कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी रूल इसमें बता सकते हैं, कि जो आपको नहीं पसंद आया हो, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया और आपको नहीं पसंद आया, और उससे आप डिफरेंट कोई रूल, ऑपोजिट कोई रूल आप निकालना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। या फिर आप जहाँ कॉलेज जाते हो वहाँ आपको कोई रूल पसंद नहीं है, या आपके घर में ही कोई रूल ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है और आप उसे बदलना चाहते हो, तो ऐसे कोई स्टोरी क्रिएट करके आप एक रूल के रिलेटेड बता सकते हो। और अगर हम सिक्स्थ क्यू कार्ड के बारे में बात करें तो सिक्स्थ क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ पर्सन हु हेल्प्स यू टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इस क्यू कार्ड में आप ईजिली कवर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, क्योंकि आपने न्यू लैंग्वेज ऑलरेडी सीखी है इंग्लिश, और आपकी इंग्लिश सीखने में हेल्प की है आपके इंस्टीट्यूशन के कोई भी सर या कोई भी टीचर के बारे में आप बता सकते हैं इसमें, और इजीली अपने पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक लर्न लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज सीखने में आपको काफ़ी मुसीबत आई है या कुछ भी आया है, तो वो सब आप एक्सप्लेन इसमें कर सकते हैं, और आपने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अपने सर से सीखे, कैसे कैसे और कितना टाइम स्टडी की है, वो सब आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ये एक्सप्लेन होगा क्यू कार्ड। तो ईजिली आप अपने क्यू कार्ड्स को अपने पॉइंट तैयार करके अपने एग्जाम में जाना, और यही क्यू कार्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। और अगर जिन बच्चों को भी स्पीकिंग एग्जाम हो चुका है और वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी अपने क्यू कार्ड्स शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके न्यू क्यू कार्ड्स के साथ।
तो बाकी न्यू क्यू कार्ड्स का पीडीएफ जब जैसे ही आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, एक दो दिन में ही न्यू क्यू कार्ड आ जाएगी, तो मैं अपने वैसे चैनल पे भी अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको लाइक पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।